काइपोचे की है फिल्म जो गुजरात में सेट थी, मेड इन चाइना जो गुजरात में सेट थी, और मेरा एक कनेक्शन है गुजरात से, मुझे बहुत बेहद पसंद है वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना. तो जब मुझे बोला गया कि मुझे गुजरात रॉकर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आई वॉज मोर देन हैप्पी. और म्यूज़िक से मेरा एक बहुत जुड़ाव है, मैं म्यूज़िक मुझे बहुत प्रेरणा देता है, बहुत इंस्पायर करता है. एंड आई थिंक म्यूज़िक इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्ट फॉर्म. उसमें एक पावर है जो आपको एक ट्रांसपोर्ट करने की पावर है म्यूज़िक में, जो आई थिंक किसी और आर्ट फॉर्म में इतनी नहीं है. सो मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रो म्यूज़िक लीग. मैं बहुत शौक रखता हूँ म्यूज़िक का. म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मेरी लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंसेज में. और हम सब जानते हैं म्यूज़िक की जो पावर है, अगर हम फिल्में भी देखें अगर विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कहीं ना कहीं एक कुछ हमें कमी लगती है. हालांकि बहुत फिल्म्स हैं जो विदाउट बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट म्यूज़िक का एक मेरे साथ तो स्पेशली बचपन से मुझे, मैं हिंदी गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ, और फिर जब और बड़े हुए तो ऑफकोर्स और इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनना भी स्टार्ट किया. तो मुझे तो बेहद पसंद है, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक. बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड से सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, हर दुनिया के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कभी सोचा नहीं था मैंने कि यू नो हम लोग बनाते हैं फिल्म्स पर ज़्यादातर पहुंच नहीं पाती है दुनिया भर में, पर वाइट टाइगर पहुंची है. रमीन बहरानी बहुत ही एक उम्दा निर्देशक है, मुझे बेहद पसंद है, और जिस तरह का रिसेप्शन मिल रहा है फिल्म को ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक इंडियन कहानी एक इंडियन स्टार कास्ट के साथ इतने बड़े लेवल पर पहुँची है, और उसकी इतनी वाहवाही हो रही है पूरी दुनिया में. आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड विद द काइंड ऑफ रिएक्शन वी आर गेटिंग फॉर द वाइट टाइगर एंड माई परफॉर्मेंस एंड एवरीबडीज परफॉर्मेंस. बहुत है यार, इलिटरेसी को किल कर देना चाहिए, करप्शन को किल कर देना चाहिए, बहुत सारे टॉपिक हैं अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो. आई थिंक इलिटरेसी मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको किल करना चाहिए. लोगों हर किसी को हक है कि वो पढ़ाई करें, एजुकेशन इज़ द बेसिक राइट ऑफ ऑल ऑफ अस. तो आई थिंक उसको किल करना बहुत ज़रूरी है, करप्शन को किल करना बहुत ज़रूरी है. रूही अफजा तैयार है बन के, और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे थिएटर्स को वापस यू नो रिज्यूम होने का, खुलने का, और अभी वापस खुले हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल कि 100% ऑक्यूपेंसी वापस दोबारा से अलाउ की गई है. तो होपफुली वेरी सून आई थिंक विल बी कमिंग टू थिएटर्स. ये शांतनु एंड निखिल, आई थिंक ये उनका एक ट्रेडमार्क है, और मेरी स्टाइलिस्ट हैं अनीशा, जिन्होंने ये जो लेके आई हैं इस पीस को शांतनु और निखिल से, और मैं हमेशा से शांतनु निखिल को बहुत पसंद करता हूँ. उनके जो बनाए जितने भी वार्डरोब होते हैं मैंने कई बार यू नो पहना है, एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड इट लुक्स इंडियन. It's pure, it's very very Indian, the whole outfit. मेरी टीम में जावेद अली हैं, हेमंत ब्रजवासी हैं, भूमि त्रिवेदी हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो तो हैं ही. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. शुभ हैं जो हमारी टीम की ओनर हैं दिव्य भास्कर से, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूज़िक की लीग है, पहली बार ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, और उसका मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला है. बहुत अच्छा कनेक्शन है. मैंने काइपोचे वहाँ शूट की है, मैंने मेड इन चाइना वहाँ शूट की है, और वहाँ के वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है वहाँ से. ऑनेस्टली मैं रेड कारपेट पर वॉक करना मिस नहीं करता था, पर मैं सिनेमा घरों में जाके फिल्म देखना मिस करता था. वो एक बड़े पर्दे का एक कम्युनिटी व्यूइंग का अपना एक एक्सपीरियंस है. पर थैंक्स टू लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट अमेजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स के हमको वो एक्सपीरियंस हमारे घर पर मिला, और मैंने बहुत कॉन्टेंट देखा, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देखा, अपने ऊपर बहुत काम किया एज एन एक्टर, जितना मैं काम कर सकता था. और एक आई थिंक एक ब्रेक चाहिए था. इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी एंड आई थिंक फॉर द होल प्लैनेट टू जस्ट यू नो रेजुविनेट एंड टू बिकॉज बहुत हमने जैसा कहते हैं गंद मचा दिया था प्लैनेट को, बहुत हम वी वर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. तो ये एक ब्रेक चाहिए था. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.